इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ तो कितने बनेंगे, बताओ भाई। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे। फोर बहुत वेरी गुड, चार नहीं। और कोई देगा आंसर इसका? चार ही आएगा। यदि तुम्हें याद हो, मैंने क्लास में कराया था, सीएल सीएल दे दिया था तब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यदि आपसे पूछा जाए कि NH2 NR2 ये दे दिया। अब मुझे ये बताओ, सिंपल सा फंडा आपके लिए, किसे तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बताओ। कौन ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। बोलो। हेलो सोमिल, सेकंड वाले की दवा मिलती किसकी? सेकंड वाले की दिखता। दिखता चिड़िया बोलो। एनीबडी? देखो यदि तुम देखोगे तो ये कंपाउंड, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की सेकंड से। अब पूछो सर कैसे, क्यों बोलो? क्यों, जो आर जो यहाँ पे एल्काइल लगे हुए हैं इन, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी बोलो, क्राउडिंग ज्यादा होगी। समझ रहे हो क्या होगी? ज्यादा क्राउडिंग ज्यादा होगी। जब क्राउडिंग ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, ज्यादा बराबर होगी। एनर्जी क्या होगी? कंपनी जो मतलब अच्छे से क्या नहीं कर पाए, लोन पे डिलोकलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? इसको हम SIP या SIR इफेक्ट तुमने पढ़ा होगा ना है कभी, SIP और SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहेरिटेंस यस और रेजोनेंस, सर है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ पे भी, कुछ मैं चीजें अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये बात समझ में आई सभी को? मैं आज सब मिक्सअप क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल पूरे मिक्स जीओसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो क्लियर सभी को? श्रेया बोलते ही नहीं हूँ, सर कौन कौन आया आज ये देख तो लूँ। पीयूष बेटा कैसे हो, क्लियर बेटा?
पीयूष पीयूष चलो अब एक बात मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या ये कंपाउंड, कुछ क्वेश्चन टॉटोमेलन जी के कर रहे हैं, ध्यान से समझना, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेलन शो करेगा? करेगा तो इसका क्या बनेगा बोलो। बोलो भाई करेगा? हाइड्रोजन अवेलेबल करेगा तो इसका एनॉल क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इसमें बताओ ये करेगा? मैं अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। ये करेगा? क्या ये करेगा? क्या बताओ कौन सा कंपाउंड टॉटोमेर शो करेगा? करेगा तो क्या टॉटोमर बनेगा? sp3 होना चाहिए, कार्बन ऑर्थो पैरा पे। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले में तो नहीं अवेलेबल। नहीं है। सोचो सोचो, तो 5 मिनट दिए सोचो। पीयूष तुम बताओ, तेरिया तुम बताओ। बोलो
बोलो मैं करूं। देखो यदि जब आप इसमें करोगे एक्चुअली ये वाला हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा, समझना। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा फिर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो सिंपल, आपका जो इनॉल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बोलो। क्लियर बताओ एक बार और बता दीजिए। बेटा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो यस जब ये निकलेगा तो इस पे माइनस चार्ज, फिर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये एच प्लस इस पे अटैक कर देगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एरोमेटिक रिंग बन जाएगी आप। यस। क्लियर, इसमें बताओ क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये वाला अल्फा है, ये देखो ध्यान से, CH OH, क्लियर। यस सर। यहां पे बताओ, फर्स्ट वाला किस? इसमें भी बनेगा फर्स्ट वाली केस है, कहां से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। अब ऐसा नहीं कार्बन के पास ही हाइड्रोजन होगा तभी होगा ऐसा, नहीं भाई। क्लियर सभी को, इसमें भी सेम यही थिंग होगा, बोलो सेम थिंग यहां भी होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें बताओ, यस इसमें सर। क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा। बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। तुम लोग सोच नहीं रहे हो यार, दिमाग यहाँ नहीं है क्या, कहाँ दिमाग है, क्यों आजकल मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में तुम लोगों का। बोलो सौमिन, अबूजर, पैसा नहीं है। बोलते नहीं तुम लोग, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो, हमें बोलना पड़ता है। देखो इंटरेक्शन तो करो ना, इतने इतने दिन हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी तुम अभी बोलना ना सीख पाए। इंजीनियरिंग में जब तुम जाओगे IIT में सिलेक्ट हो जाओगे NIT में से, वहाँ रैगिंग होती है फर्स्ट डे, तो क्या करोगे, बोलोगे नहीं उधर। चलो अच्छा एक बात, आप पोलरिटी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यदि सॉल्वेंट की हम पोलरिटी को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इनॉल कंटेंट पर। फर्क पड़ता है उसमें। और ये सॉल्वेंट H2 है पोलर, तो उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा फेवरेबल होता वेरी गुड, तो है, देखो नॉन पोलर में सिंप इनॉल। वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल सी बात, इफ पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट
इंक्रीज देन द परसेंट ऑफ इनॉल विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये बनाया, तो इसको अपन देखेंगे तो H2O हो गया, सॉल्वेंट लें, एथाइल एल्कोहल लें, आपसे ऑप्शन आ जाए, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड लें, तो बताओ कीटो परसेंट कहाँ पड़ेगा बोलो? H2O में। H2 में, वेरी गुड। और इनॉल कंटेंट कहाँ पड़ेगा? नॉन पोलर। हाँ वेरी गुड, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ ध्यान रख लोगे आप लोग, क्वेश्चन आता है इसमें जेई में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, अच्छा नेक्स्ट वीक में मैं सोच रहा हूँ आपकी में जो एडवांस लेवल की क्लास होगी उसको फिजिकल पे ले लें। यस सर। क्या क्या कौन कौन चैप्टर थे रह गए थे? सॉल्यूशन रह गया था और सॉल्यूशन के बाद वाले रह गए थे। अभी मैंने एडवांस लेवल पे कौन कौन करा दिए थे वहाँ पे प्रैक्टिस? सर सॉलिड स्टेट रह गया और वो रह गया सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हो गया था। सॉलिड स्टेट की एक बार अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है कोई भी बच्चा यहाँ पे, सब शांत है, समझ में आया कि नहीं आया? सभी क्लास में ऐसा करते हो क्या? क्यों क्या हमारी क्लास में करते हो? अब ये भी नहीं बोलोगे। कुणाल आया है? नहीं सर। कुछ ज्यादा मेंबर की रिंग बन रही है एक्चुअली, मुझसे गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये 5 मेंबर की रिंग बनाना है। आपको बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बता। बताओ ये कॉल लिख रहा हूँ मैं, बताओ बताओ बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा?
बोलो हो गया। तो वैसे वेरी गुड। कितना आया उतावन से बोलो? पहला फोर्थ, फोर्थ ठीक है, फिर फिफ्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सिक्स्थ, फिर थर्ड, फिफ्थ नहीं आएगा, फिर फोर्थ के बाद सिक्स्थ आना चाहिए। तो चलो हाँ, थर्ड, सेकंड, सेकंड, सेवंथ, एट्थ, वन। ये नहीं होगा। देखो यदि मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? फोर, तो उसके बाद कौन होगा? सिक्स, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट है, यस यस सर, फिर उसके बाद फाइव, अब उसके बाद देखो सेवन, फिर एट। अब ये क्या होंगे? देखो अब यहां पे क्या है, यदि हम यहां पे देखें तो एक्चुअली यहां पे ये सब रेजोनेंस में है, एरोमेटिक हैं ये सारे। क्या है, कैसे हैं ये सब? देखो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो काउंट हो रहा है किसमें? बोलो किसमें हो रहा है? एरोमेटिक्स में हो रहा है ना। तो बताओ यदि हम देखें इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो एंड कैसा हो रहा है? क्रॉस होगा बोलो, तो इससे ज्यादा कौन होगा? एट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट, ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिक करेक्टर में। एक बार और बता दीजिए हमें इसमें हो गया था। मैं सिंपल शब्दों में ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि तुम ध्यान देखोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड, देखो ये तो आपका एक पिरिडीन टाइप है, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, ठीक है, ये है। अब देखो तो ये बेसिक करेक्टर हो गया सिंपली। अब क्या होगा यदि आप देखोगे तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा हो गया, फिर उसके कम सिक्स, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है इसलिए बेसिक हो गया, फिर फाइव हो गया, फिर आपका ये देखो रेजोनेंस ज्यादा है सेवन एट। अब देखो ये सब कैसे हैं देखोगे तुम, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ भी कितने हो रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ भी कितने हो रहे हैं बोलो? 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सिंपल आप देखोगे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? अरे बोलो भाई, क्रॉस क्रॉस। तो क्रॉस की वजह से क्या हो जाएगा, थर्ड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, सबसे कम कौन होगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ है, इसमें भी तो रेजोनेंस में है बोलो, यस रेजोनेंस है ना, तो इसलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताना मुझे, यहाँ तक क्लियर सभी को? सर हाँ बोलो बेटा। वहाँ 1, 2, 3 में SIP नहीं देखेंगे? SIP स्टेरिक, SIP यहाँ पे कैसे लग जाएगा? ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ना सब, अच्छा ठीक है सर। जो
एसआईपी वाला, चलो तुमने क्वेश्चन पूछा ये तो मैं दे देता हूँ। मैं इसमें बेसिक करेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा समझ लो यहाँ पे कोई ग्रुप जी लगे हुए हैं जो स्ट्रेक इंडियंस लगा रहे हैं। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। दोनों में इनका जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, क्या है वो लार्जर मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे मैंने सी एन लगा दिया, यहाँ भी जी जी लगे हुए हैं। अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा, जी जो है वो लार्ज है। बताओ कौन ज्यादा बेसिक है। बोलो बेसिक कौन ज्यादा होगा। सेकंड वाला ज्यादा होना चाहिए, सेकंड क्यों? फिर इसमें जी लार्ज ग्रुप लगा हुआ है तो दोनों में ही है रेजनेंस। इसमें SIP लगेगा। यदि यहां पे देखो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, ये कैसा होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? लीनियर। तो इसमें ये क्या, इसका एक्चुअली ये इफेक्ट नहीं लगा पाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लार्जर ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी ग्रुप बड़ा है, और ये क्या लीनियर होगा स्ट्रक्चर। लीनियर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्ट्रेक हिंड्रेंस नहीं होगा, मतलब ये माइनस आई से भी खींचेगा और माइनस आर से भी खींचेगा। बोलो है ना, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड में से? बताओ क्लियर। यस सर। समझो भाई कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नाइट्रोजन है ये भी,
करो, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताना। सोचो आराम से, 5 मिनट सोचो, आराम से करो। एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे ना बेसिक करेक्टर थे, वो यहां से आएंगे। पीयूष तुम बनना है क्वेश्चन बेटा? पीयूष तुम्हारे घर पे बात करनी पड़ेगी क्या? तुम बोलते ही नहीं हो यार क्लास में। पीयूष ओके ओके बेटा, आप ऑडिबल नहीं हो बेटा पीयूष, इसीलिए तो पूछा जा रहा है आपसे। हेलो पीयूष, आप यस सुन पा रहे हैं? सर, क्लियर हो रहे हैं बेटा या नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन यस सर, कौन सी बुक लगा रहे हो बेटा तुम? सर इस समय तो क्या क्या दिक्कत नहीं है, डीके सिंह? डीके सिंह, अच्छा तुम डीके सिंह मंगा ली थी क्या? पियर्सन की, जब मैंने बोला था वही वाली। अच्छा यस अच्छा तो उसको लगा लो, तो बहुत अच्छी बुक है, सर। पूरा लगा जाओ उसमें तो 500 500, 700 700 क्वेश्चन है। ठीक है श्रेया, तुम बताओ। श्रेया आ रहा है समझ में? अच्छा हो गया क्वेश्चन सॉल्व सभी से? चलो पीयूष इसका आंसर तुम बताओगे मुझे। बोल नहीं रहे यार, हुआ कि नहीं हुआ क्या है? सर हम कर दें सर,
चलो देखो, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? चलो कौन बताएगा इसका आंसर, जो बताएगा उसको इनाम देंगे। बोलो कौन होगा सबसे ज्यादा? देखो यदि देखोगे तो ये वाला फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ग्वानिडीन टाइप ही होगा। देखो तो यदि आप ध्यान से देखोगे, ये लोन पे यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंपल क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, स्टेबलाइजेशन सिंपल बहुत ज्यादा। और आपको पता है ग्वानिडीन टाइप मॉलिक्यूल क्या होता है, ज्यादा बेसिक, तो ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी होगी सबसे ज्यादा फोर्थ वाले की होगी बेसिक, ठीक है। अच्छा उससे कम कौन होगा आप बताओ, अब तो तुम बता ही सिक्स्थ, दोगे। सिक्स, सिक्स के बाद, थर्ड, थर्ड के बाद, सेकंड, सेकंड के बाद, फर्स्ट, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये बेसिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। बताओ क्लियर सभी को? पक्का क्लियर? और क्वेश्चन करते जो हैं। एरोमेटिक होगा वो वो तो बेसिक बहुत कम ज्यादा होगा। है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उससे कम, सबसे कम, वो तो बहुत ही कम बेसिक होगा, क्योंकि तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, वो डिलोकलाइजेशन में है। देखो ना हमने क्या बोला, डिलोकलाइज आप एरोमेटिसिटी हो रही ना, हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और वो भी एरोमेटिक हो गया ये लोन पेयर का सिंपल। इससे आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं बोलो? एक क्वेश्चन और बताओ यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछ रहा हूँ, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपने ऊपर कितने नंबर देंगे बनाई है? सिक्स मेंबर। नहीं मैंने चार मेंबर देंगे, पांच ही बनाई है सारे, सिक्स तो मैंने सिर्फ उसमें बनाई है, जनरली फिनाइल अलग से बनाया है, वो सब पांच मेंबर हैं। वो तो लगती हैं एक्चुअली इस तरीके से, वो बनाई जाती है ना, ये देखने में कैसी लगती हैं सिक्स मेंबर, ये होती नहीं है। चार पांच छह हो गए, फिर ये सात होगा। चलो करो इसको, ठीक है, करो जल्दी से करके बताओ।
डन सर। हो गया बेटा? हेलो, सर क्या आया बताओ ऑर्डर? फिफ्थ? फिफ्थ फिफ्थ सही है मुन्ना। क्या हो गया, तुम लोग पढ़े रिवीजन नहीं किए हैं? पीयूष तुम बताओ इसका आंसर। फर्स्ट होगा सबसे ज्यादा, कौन होगा फर्स्ट? ठीक है, उसके बाद होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड, फिर होगा आपका फिफ्थ, फिर होगा सिक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछ रहा हूँ, फिर होगा आपका फोर्थ, फिर होगा सेवेंथ। सॉरी गलती हो गई, पहले होगा आपका सेवेंथ, फिर होगा फोर्थ। यहाँ हो गया सेवेंथ और यहाँ हो गया फोर्थ। बोलो भाई, क्लियर? बताओ किस किस को क्लियर, किस को नहीं क्लियर, बताओ। क्लियर? होगा पक्का? कोई डाउट? देखो सिंपल है, आप यहां पे समझो ये एरोमेटिक है। कैसा है ये बोलो? एरोमेटिक है, लेकिन यहां पे क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी तो है ही ना। क्यों भाई? दो रिंग पे तीन, इसलिए हमने क्या दे दिया? दो, सेकंड पे थर्ड, फिर उसके बाद किसको दे दिया बोलो?
किसको दे दिया, फिफ्थ, तीन फिनाइल लिंक के साथ, फिर दो फिनाइल लिंक के साथ, फिर एक फिनाइल लिंक के साथ, सॉरी दो फिनाइल, फिर फोर्थ। क्लियर ये? यस सर। पक्का सोमिल? सर 1 2 3 वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1 2 3 वाले में बताओ। यहाँ पे हम एरोमेटिक चेक कर रहे हैं करेक्टर, मतलब जो एरोमेटिसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। सर उस हिसाब से थर्ड वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो जाता है ना। क्या हो जाता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक क्रॉस कॉन्जुगेशन भी वर्क करता है। क्या करता है बेटा बोलो? कौन वर्क? क्रॉस कॉन्जुगेशन है एक्चुअली। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज में हो रहा है। यहाँ पे ये हो है, अभी डबल बॉन्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ भी है डबल बॉन्ड, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन है? बोलो। समझ रहे हो? ये एरोमेटिक तो है लेकिन क्रॉस को इनके बीच में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है ना ज्यादा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलो तो यहां तक क्लियर तुम्हें? सभी को क्लियर? पीयूष बोलते नहीं हो यार। NH2 NHR R और R R R आर आर ने लगा के मैं यहाँ पे, चलो आर आर अब मैंने यहाँ पे लगा दिया एन PR3 यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। अब बताओ बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ। बेसिक करेक्टर का ऑर्डर होता किसमें होगा? सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर ये होगा। क्यों बोलो भाई? कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? sp3। तो बताओ भाई। ये एक्चुअली एक्सप्लेन ही नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, ये एक्सप्लेन होगा बाय SIR से, स्टेरिक इनहेरिटेंस रेजोनेंस। यहां पे जो लोन पेयर होगा इसका, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि यहां पे क्या है, क्राउडिंग ज्यादा है। क्या है बोलो? क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब यहां पे लोन पेयर क्या नहीं है, रेजोनेंस में ही नहीं है। जब रेजोनेंस में ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इसमें बोलो? ज्यादा होगी बोलो। बोलो भाई। है ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेसिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा ज्यादा हो। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। सभी को
सर हम्म, वो आउट ऑफ द प्लेन नहीं चला जाएगा रिपल्शन की वजह से? आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, तभी तो रेजोनेंस में नहीं है उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक यस सर। अच्छा एक बात और, वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि हम देखें इसमें तो किसमें किसकी ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? कुछ गड़बड़ हो रहा ना यहाँ पे। तो उसकी ज्यादा होगी ना जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। ठीक है, अब देखो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछता वो क्वेश्चन, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो उल्टा हो जाता। स्टेबिलिटी का तो ऑर्डर उल्टा होगा, स्टेबिलिटी अलग चीज है, ये चीज अलग है। एक्चुअली यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल, जो रेजोनेंस एस आई आर इफेक्ट से ये हो रहा है सिंपली, यहाँ पे जो रेजोनेंस का मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं रह रहा है ना, और सिंपल वहां पे क्या नहीं कर रहा है बोलो, Yes. पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेजोनेंस में। सिंपल ऐसे मान लो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए, बल्की ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, बल्की ग्रुप, तब ये इफेक्ट लगेगा। अब देखो आगे बढ़ता हूं, ऐसे अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे। ये दे दिया, और एक ये दे दिया, बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट और सेकंड में? किसमें? सही है। जो हमारा सेकंड वाला, उसमें एन एच आएगा ना ऊपर। ऊपर? नहीं, सही है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया वही पूछ बता रहा हूँ। सर डबल बॉन्ड भी है और फिर तीन हाइड्रोजन भी। तो क्या हुआ, पांच सिंपल यहाँ पे आंसर ही देना था तुम्हें, कि जो फर्स्ट वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड भी। नाइट्रोजन क्या नहीं करता है बोलो, नेवर बी पेंटावेलेंट। सही क्वेश्चन था। हाँ बस, तो देखो। अच्छा एक बात बताना मुझे, एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको
एक क्वेश्चन दे दिया जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सी डबल ओ एच, दूसरा दे दिया जाए CH2, ये तो करा दिया शायद मैंने, CH डबल वो है ना, और तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 सी डबल ओ एच दे दिया जाए, ये दे दिया। अब इसमें आपसे पूछ लिया गया सिंपली किसका ऑर्डर, बोलो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, पीएच का ऑर्डर, तो बताओ सब पीएच का ऑर्डर। पीएच, पीएच का भी ऑर्डर बताओ मुझे, सारे ऑर्डर बताओ, पीएच एच प्लस के के पी के सारे ऑर्डर बताओ। सर अब तक ग्रुप एसिडिटी बढ़ेगी एसिडिक करेक्टर, उसके हिसाब से जो के है वो भी बढ़ेगा, जो पी के है वो कम हो जाएगा, और जो एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, पीएच कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो देखो यहाँ पे सिंपली आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट, तो उसके बाद कौन सा होगा एसिडिक करेक्टर, किसका होगा फर्स्ट के बाद, सेकंड, फिर थर्ड, ये होगा बेसिक करेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, तो और ये सॉरी बेसिक क्यों, किसका ऑर्डर होगा ये एसिडिक का। और फिर एक बात और बताना मुझे सिंपल, यहाँ पे और क्या होगा एसिडिक, और ये हो जाएगा आपका यही किसका होगा एच प्लस एन कंसंट्रेशन का ऑर्डर, यही किसका ऑर्डर हो जाएगा के का, इसके उल्टा किसका ऑर्डर हो जाएगा पी के का। Yes. ठीक है, क्लियर, तो ये तो मैं SIR SIP SIP पूछ, समझ में आ गया सब अच्छे से फैक्ट, इस चीज को समझ लोगे। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा था जैसे मान लो आपको ये दे दिया, अच्छा ये वाले हमने क्वेश्चन करा दिए थे आपको क्लास में, ये दे दिया पहला, दूसरा दे दिया आपको हमने, ये दे दिया, ठीक है आपको तीसरा दे दिया हमने, CH3, ठीक है, और चौथा दे दिया हमने ये दे दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे सिंपल सी बात कि आपसे पूछ लिया जाए एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, तो बताओ कौन होगा एसिडिक ज्यादा, ऑर्थोफैक्ट बताई दिया था यानी लीन का मैंने,
सर। बताओ क्या हुआ। तो एसआईआर स्ट्रेंथ एक बात पहले तो क्लियर हो गया। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट वाला आएगा, फिर फिर थर्ड और फोर्थ का तो पता है, सेकंड में कंफ्यूजन है। जो फोर्थ, देखो एच प्लस एन दे के देख लो, जैसे एच प्लस एन जाएगा मतलब इस पे क्या आएगा निगेटिव, इस पे भी क्या आएगा निगेटिव, इस पे भी क्या आएगा निगेट सी एच टू माइनस, इस पे भी क्या आएगा निगेटिव। एक्चुअली हमें थर्ड और फोर्थ हमें देने ही नहीं चाहिए थे तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सेम ही क्वेश्चन दे दिए हैं, मैं इसको फोर्थ को हटा दूं, इसमें दोनों एरो यस एंटी एरोमेटिक ही हैं एक्चुअली, इसलिए वैसे थर्ड और फोर्थ लास्ट में ही आएंगे, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद बोलो थर्ड फिर सेकेंड, ये ऐसे डिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। एक बात तो क्लियर हो गई, एस आई आर इफेक्ट कैसे लगेगा, साइज ऑफ द ग्रुप पे लगेगा, ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या ये रेजोनेंस वो टोटोमेंस रेजोनेंस शो करेगा ये वाला कंपाउंड, बताओ। से तो प्लेनर नहीं है, नॉन तो कैसा है ये, प्लेनर नॉन प्लेनर, वेरी गुड। जब नॉन प्लेनर है देखो, नॉन प्लेनर कंपाउंड क्या शो नहीं करेंगे, रेजोनेंस नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो रेजोनेंस शो करने के लिए क्या होगा बताओ, आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो ये कैसा करे, नो रेजोनेंस, सिंपल सी, क्लियर है यहाँ पे। सर। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो आपको एच डी करेक्टर का ऑर्डर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एच डी करेक्टर का ऑर्डर सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच, फिर लिखा हुआ है सी डबल ओ एच, और यहाँ पे है आपका सी एच थ्री, ठीक है, और फिर है सी डबल ओ एच और सी एच थ्री। वन क्या आ रहा है, वन टू टू फोर थ्री, वन नहीं, वन टू फोर थ्री होगा, कैसे टू फोर थ्री। भाई। ठीक सर फर्स्ट वाला तो ऑर्थो इफेक्ट, सेकंड है ये तो हो गया, फिर कौन सा आएगा, एसिडिक जो सेकंड एसिडिक सेकंड
फिर सेकंड आएगा, यस तो सर। उससे ज़्यादा थर्ड होगा, ये तो सबसे कम होगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यस बोलो। तो सर। ये होगा ना एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, बताओ भाई, क्लियर है ये बात? जल्दी बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा आलस में। अच्छा अब बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? मैंने इतना कुछ बताया, यहां तक किसी कोई डाउट? भाई खत्म हो गया, अब मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा एडवांस लेवल पे, ठीक है? मैंने काफी करा दी। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें बताना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, बताओ। बताओ कितना होगा, कितने काल सेंटर हैं स्टीरियो आइसोमर? एक, दो, तीन, टू की पावर एन, मतलब टू की पावर थ्री, मतलब कितने हो गए? एट। क्लियर? बोलो। यस अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देख, एस आई आर होता है, एक एस आई पी होता है, ठीक है? एस आई पी समझते हो, जो आसानी से क्या नहीं ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही ना करे। यदि मैंने ये दो कंपाउंड दे दिए आपको, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसमें से ये बताओ कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक है? CME3, CME3, बताओ। फर्स्ट फर्स्ट क्यों बेटा, बताओ? इक्वेशन किए हैं क्या तुमने बेटा? नहीं सब पढ़ रखा है एसआईपी इसलिए। अच्छा बेसिक यही होगा, वेरी गुड। क्यों बताओ यहाँ पे? क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, क्राउडिंग की वजह से ये प्लस आई इफेक्ट को क्या नहीं करेगा, सो ही नहीं करेगा। मतलब ये प्रोटॉन को क्या नहीं कर पाएगा, लोन पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ये वैसे जो ये एक्चुअली बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? बल्कि ग्रुप मतलब ड्यू टू क्राउडिंग, किसकी वजह से? क्राउडिंग की वजह से मोर, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाए, इट्स कंपाउंड लिख देता हूं मैं, डज नॉट शो, क्या शो नहीं करेगा बताओ? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? बिकॉज तो इसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है बताओ? डू नॉट टेक, बोलो, प्रोटॉन
इसकी वजह से नहीं कर पा रहा है, बताओ। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज मत लिखो, मैं एक अलग ही पॉइंट लिख दो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है क्राउडिंग की वजह से। दूसरा यहाँ पे डू नॉट टेक प्रोटोन, और बोलो सिंपल, जब प्रोटोन नहीं लगेगा, एच प्लस आयन नहीं लगेगा, तो वो बेसिक करेक्टर शो ही नहीं करेगा। तो ये बेसिक कम होगा, ये बेसिक ज्यादा होगा। क्लियर? बताओ भाई। सर पक्का पक्का बताना। सोमिल, अबूजर, पीयूष, यस श्रेया, देखो एडवांस में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। एक ग्वानिडीन टाइप से मिलेगा, एक आपको एसआईपी से मिल सकता है, एसआईआर से मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़े। यस पक्का क्लियर है ना? कोई डाउट है यहाँ पे बता दो। ठीक सर। है। अब उधर तुमने तुमने पढ़ा नहीं है क्या ये कॉन्सेप्ट? 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा है? सर अच्छा सौमिल, तुमने थोड़ा अभी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा पहले ये बताओ मुझे भाई। जो तुम भी जानते हो चीज सिंपल सी, जब लोन पे जब आपकी क्राउडिंग बढ़ेगी और तो पोजीशन पे, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, है ना? जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो कुछ होगा ही नहीं। बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताओ। सो फोर क्या होगा? फोर 4, 2, 3, 1। वेरी गुड। क्लियर सभी को? क्या रहा है? 4, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 1। ये आपका बेसिक करेक्टर, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर हो जाएगा। अब बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है तो बता दो भाई। प्रैक्टिस करो, बुक्स लगाओ अच्छी अच्छी आप लगा ही रहो काफी। कोई एमएस चौहान लगा रहा है, कोई डीके सिंह लगा रहा है, कोई हिमांशु पांडे लगा रहा है। लगाओ भाई जितने लगा सकते हो। अब मुझे अपडेट दो डेली का तुम लोग। सर एमएस चौहान में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी है। सर कॉन्सेप्ट नहीं, वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस भी है बहुत सा उसमें जो तुम लगा रहे हो बुक। ठीक है, उसमें एक्चुअली वो लोग उसमें भी लगाते हैं, जब एमएससी एमएससी करते हैं ना लोग, वहां भी इसका यूज करते हैं। तो सिंपल आप अभी उसमें तुम एक काम करो, वहां पे तो सिंपल आप
करो, जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना कर लो, बाकी का जो लगे तो हमें भेज दिया करो तुम, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब उसमें क्या था कि बोर्ड बन जाती है, नोट नोड बन जाए। अच्छा, नोड मतलब समझ, नोड बोर्ड बन, बोर्ड टाइप क्वेश्चन, मतलब एक रिंग दे रखी है तो फिर उसमें बोर्ड टाइप स्ट्रक्चर्स, अच्छा अच्छा ट्विस्टेड अच्छा बोर्ड, ठीक सर वो मैं आपको भेजूंगा एक बार। है, मुझे भेज देना एक बार, ठीक है? सो डोंट वरी भाई, लगाओ। लेकिन एम एस चौहान, ये जो भी है, पहले लेवल वन लगाओ तुम इनके, सर उसके बाद लेवल टू लगाओ। समझे? और बताओ, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, कुछ पूछना हो, ये कुछ वाला एक प्रॉब्लम आ क्वेश्चन रही? चाहिए। कौन सा बेटा? ये वाला बेटा देखो, एक सबसे पहली बात तो ये देखो, ये वाला सिस्टम है, पी पाई ओवरले पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो, इसमें भी हो रही है, सेकंड वाले में, फोर्थ वाले में, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किससे मिल रही है? प्लस आई फैक्स से। तो फोर्थ वाला ज्यादा हो गया सेकंड यस से। अब देखो, अब ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी, तो कौन किसको दे रहा है? रेजोनेंस तो किसी में ही नहीं है, तो हमने फिर किसको प्रायोरिटी दे दी? बोलो, टर्सरी वाले को, फिर सेकेंड। ओके अब बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। दिखता यस सर, क्लियर सब? यस सर, दिव्यांशी पक्का? यस सर, भाव्या? भाव्या क्लियर? अबूजर को तो है ही, सौमिल, श्रेया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक सर है? कब होगी मेरी नेक्स्ट और क्लास? किसकी? सर केमिस्ट्री क्लास कब होगी? अब केमिस्ट्री जो होती है, जिस दिन होती है, क्यों, क्या हो गया? एक क्लास कैंसिल हुई ना तुम्हारी शायद, आई थिंक, है ना? सर पता नहीं, टाइम टेबल नहीं है। यस इस वीक में शायद एक ही क्लास हुई है ना तुम्हारी? सर अभी तक देखिए। नहीं, एक तो पहले हुई, एक ये हुई है, इसलिए हुई है इस बार कैंसिल, क्योंकि एक दिन शायद छुट्टी थी ना, बकरीद पड़ गई थी, यस सर इसलिए वो छुट्टी हो गई होगी, उस दिन छुट्टी थी। ठीक है? ठीक है फिर, ओके, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।